हेलो एवरीवन वेलकम टू शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग चिंटू संकी सोल्जर नयन प्रताप गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नमस्ते रितिक लाइव हो गया क्या बिकॉज यहाँ पे नहीं आ रहा राइट तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास के साथ आज हम बहुत सारे अमेजिंग न्यू अच्छे से वर्ड्स पढ़ने वाले हैं और साथ ही सिंस इन सैटरडे और सैटरडे को तो हमारा रिविजन डे होता ही है तो पुराने वर्ड्स भी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे ठीक है तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास के साथ और आज का हमारा पहला वर्ड देखिए फटाफट से आर फर्स्ट वर्ड इज अघास्ट आर फर्स्ट वर्ड इज अघास्ट और पहले हमने एक और वर्ड पढ़ा पहले हम घासली पढ़ चुके हैं इसका मतलब भी क्या था इसका मतलब भी डरा हुआ बहुत ज्यादा भयानक सा कुछ होना राइट और कैसे याद करा था घोस्टली और ऐसे ही अगास्ट को आप याद रखो घोस्ट से ठीक है सभी बच्चे जुड़ गए हैं क्या क्लास में इंडियन आर्मी लवर अली जय हिंद नयन प्रताप नमस्ते ए बी ओके चलिए वेरी नाइस nice. तो इतना हमें समझ में आया अब आगे मूव करेंगे देखो अघास्ट हमने समझा यहाँ, राइट अघास्ट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं घोष्ट से और घोष्ट को देखकर कैसा लगता है हमें हम डर जाते हैं डरा हुआ लगता है यू कैन से बहुत ज्यादा ही हॉरिफाइंग सा एक्सपीरियंस होता है ठीक है डर से भरा और राइट अब अगर हम सिनोनिम्स पे मूव करें तो देखिए पहला सिनोनिम देखिए क्या है अफ्रेड ये तो बहुत ही ईजी है घास घास वर्ड अपने आप में डिपिकल पड़ेंगे अगला हॉरीफाइड हॉरीफाइंग का मतलब भी होता है डरावना। एक और पहले हमने वर्ड पढ़ा था हॉरेंडस हॉरेंडस किस से याद करोगे हॉरर से याद कर लो ठीक है हॉरर से रह जाते हैं मान लो अपने सामने तुमने भूत देख लिया क्या हो जाओगे हाँ आंखें या तो मुंह खुला रह जाएगा या आंखें बड़ी हो जाएगी है ना तो ऐसे आप याद कर सकते हो ओपन माउथ या वाइड आइड सामने भूत दिखा ओपन माउथ एंड वाइड आइड और आगे देखेंगे अगर हम तो शॉक शॉक तो हम हो ही जाएंगे और नेक्स्ट अपॉल्ड अब अपॉल्ड कैसे याद रखोगे पहले भी मैंने ट्रिक बताई हुई है शायद इसकी आप आप से बनाओ आप ठीक है आप और पॉल का मतलब क्या पॉल से बना लो पेल मतलब पीले पेल का मतलब होता है पीले तो आप पीले पड़ गए तो हम पीले कब पड़ जाते हैं कब पड़ते हैं हम पीले जब हम घबरा जाते हैं जब डर हाथ पैर पीले पड़ जाते हैं राइट सो अपॉल्ड का मीनिंग भी क्या होता है डर लखना समथिंग दैट इज टेरिफाइंग समथिंग दैट इज हॉरिफाइंग समझ में आए इतने वर्ड्स फटाफट से एक बार फटाफट से एक बार थम्स अप करके बताओ बिल्कुल नयन मैं समझ गई पहचान गई मैं तुम्हारे नाम से वेरी गुड सुमन बहुत बढ़िया जल्दी से आ जाओ बिल्कुल स्टंट शॉक्ड सब बोल सकते हो आप ठीक है और अगर हम एंटोनिक देख के कुछ भी सरप्राइज फील करो ना एकदम नॉर्मल सा या फिर साइड कुछ इफेक्ट ही ना हो जिसको देख कर तो दिचन इज्राइज अन एंडफेक्टेड आप कह सकते हो कि अगास्ट का बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा ठीक है बिकॉज अगास्ट का मतलब तो होता है शॉकड होना सरप्राइज होना डर के मारे सरप्राइज या शॉकडी तो होते हैं तो ये हमारा पहला सेट ऑफ वर्ड्स था अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हॉरेंडस हम पहले पढ़ चुके हैं घास भी हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है कह कह सकते हो। भी कह सकते हो, हो, भी डर जाना या फिर आप क्या कह सकते हैं हमने पहले आंटी से एक वर्ड पढ़ा था बताओ क्या वर्ड था वो आंटी से रिलेटेड हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था आंटी को देख के डर जाते हैं ना पड़ोस वाली आंटी से सब डरते हैं क्या वर्ड था वो फटाफट से बताओ मुझे चैट कॉलम में चलो जल्दी से बताओ फ्रोजन भी बोल सकते हो हाथ पैर ठंडे पड़ गए एक तो हाथ पैर पीले पड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो ठंडे पड़ने को तुम फ्रोजन बोल सकते हो ठीक है अभी बताओ फटाफट से हाँ ओपन माउथ एब्सोल्युटली चलिए डोंटेड वर्ड याद है डोंटेड डोंटेड तो नहीं भूले डॉन्टेड पढ़ा था हमने और एक डोंट लेस भी पढ़ा था डोंटलेस डॉन्टलैस कैसे याद रखा था आंटलेस जब आंटी नहीं होती पास वाली पड़ोसन नहीं होती है तो कैसे हो जाते हैं हम हम हो जाते हैं बिल्कुल ही इनट्रेपिड और इंट्रेपिड का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगी तुम लोग बताओगे अब. इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है फटाफट से बताओ Intrepid का मीनिंग भी फटाफट से बता दो अब एंटीगोनिक तो ऐसा पर्सन होता है जो हमारे खिलाफ चले जाए ठीक है ओके डॉन्टेड बहुत बढ़िया तो डॉन्टेड आप तुम लोग इसको ऐसे याद रख लो द आंट से और जब आंटी होती है तो डर या फिर फियर से भरा ठीक है वो क्या होगा डॉन्टेड और निडर होना बिना डर के होना फियर लेस होना वो होगा डॉन्टलेस और इंट्रेपिड का मतलब भी यही होता है इन से वर्ड बनता है negative, और ट्रेपिड का मतलब है terror, मतलब टेरर नहीं होना और टेरर नहीं है तो क्या हो आप, आप निडरी तो हो आप फियरलेस हो आप ब्रेव हो आप करेजियस हो यू आर वेलियंट यू आर याद आया सभी को गैलेंट बिल्कुल सही वेरी गुड नया नवरी बहुत समझ में आ गए हमने क्या पढ़ा था हमने अगास्ट पढ़ा और अगास्ट का मतलब होता है डर होना डर से रिलेटेड शॉक स्केयर्ड फ्रोजन ठंडे पड़ जाना अपॉल्ड बहुत इजी वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पहले हमने पहले हमने अपॉलिंग भी पढ़ा है अपॉलिंग अपॉल्ड से ही पढ़ा है ठीक है अपॉल को कैसे याद रखोगे आप पीले पड़ गए तो पीले पड़ गए तो क्या हो गया हाथ पैर ठंडे हो गए पीले क्यों पड़े डर के मारे पीले पड़े होंगे तो ये सभी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अच्छे से नोट्स बनाओ और एक बार भी रिविजन कर लोगे तो सभी वर्ड्स याद हो जाएंगे अगला वर्ड देखो क्या है हमारा एल और एल को कैसे याद रखेंगे हम बहुत ही इजी सा वर्ड है एल का मतलब होता है पीड़ा होना कष्ट पहुंचना ठीक है और कैसे याद रखोगे तुम लोग इसको याद रखो एल से इल से ठीक है सो जब इल होंगे इल का मतलब क्या तबियत खराब होना वेरी गुड सुमन बहुत बढ़िया आंसर्स कर रहे हो अनिश एंड एवरी वन इल का मतलब क्या होता है तबियत खराब होना और जब हमारी तबियत खराब होगी तो हमें क्या होगा तो हमें कष्ट होगी हम पीड़ा होगी सो so, एल का मतलब होता है पीड़ा होना एलमेंट एलमेंट मतलब क्या दुख दर्द कोई भी प्रॉब्लम की जड़ को हम बोल देते हैं एलमेंट या प्रॉब्लम को हम बोल देते हैं एलमेंट समझ में आया चलो अभी कंसर्न कंसर्न क्या मतलब चिंतित होना किसी भी चीज को लेके ठीक है कंसर्न तो चिंता का विषय होना कोई भी प्रॉब्लम होना नेक्स्ट वर्ड और कितनी बार लिए लास्ट डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस कैसे याद रखोगे स्ट्रेस होता है स्ट्रेस होता है तो क्या होती है जब पीड़ा होती है तभी तो स्ट्रेस होता है जब कोई प्रॉब्लम होती है जब कोई कष्ट होता है तभी तो स्ट्रेस होता है तो याद करो इसे द स्ट्रेस स्ट्रेस और stress कब, होगा? कब होगा जब कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट वर्ड देखो ट्रबल ट्रबल का मतलब ही afflict. अब, afflict देखो वरी बहुत ईजी है अफ्लिक्ट अब अफ्लिक्ट देखो ट्रबल वरी इज वेरी इजी अब अफ्लिक्ट हम लोग रिलेट करते हैं कल ही हमने एक वर्ड पढ़ा है अगर आप सभी को याद हो तो अफ्लिक्शन और अफ्लिक्शन को कैसे हमने याद करा था हमने इसे याद करा था इन्फेक्शन से अफ्लिक्शन को हमने याद करा था इन्फेक्शन से अगर तुम लोग नहीं भूले रिविजन करते रहना तो अफ्लिक्शन को हमने लर्न करा इन्फेक्शन से है ना और इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा अगर मान लो स्टमक इंफेक्शन हुआ तो पेट में मरोड़े उठेंगी पेट में दर्द होगा तो इन्फेक्शन से क्या होता है कष्ट या पीड़ा समझ में आए बिल्कुल हम्म दिमाग पे स्ट्रेस बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए अपसेट और अपसेट होना तो बहुत ही ईजी है ठीक है पीड़ा होगी दुख दर्द होगा तो अपसेट ही होगा एक और हमने वर्ड पढ़ा था अग्नि अगर किसी को याद हो तो अग्नि अग्नि का मतलब क्या होता है कोई मुझे बताएगा क्या फटाफट से ये तुम्हारा क्वेश्चन है जितने मैं तुम्हें आगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताती हूँ ठीक है तो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने यहां पे पढ़ लिए राइट अब पढ़ते हैं कुछ एंटोनिम्स तो एक तो कष्ट पीड़ा होना और दूसरी तरफ कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं होना एकदम हैप्पी सी रिलैक्स सी कूल सी स्टेट होना आप कह सकते हो एक्साइट अब एक्साइटमेंट क्यों होगी खुशी के मारी तो एक्साइटमेंट होती है है ना तो एक्साइट होना कंफर्टेबल होना चेयरफुल होना अब ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं और ये सभी पॉजिटिव वर्ड हैं चेयरफुल चेयरफुल चेयर कब करते हैं किसी का प्रोत्साहन करना है ना चेयर लीडर्स होते हैं ना तो वो खुशी के मारी तो करते हैं दुख में थोड़ी ना करते हैं ठीक है प्लीज करना मेक हैप्पी या फिर हेल्प ठीक है सो ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स हैं और ये सभी के सभी नेगेटिव वर्ड हैं जो कि कष्ट पीड़ा और प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं अग्नि का मतलब बताओ हम्म वेरी गुड ग्रीफ बिल्कुल सही अच्छा आगनी को कैसे लर्न करा था याद है क्या सभी को हम्म बिल्कुल बहुत अच्छे ओके सो so, अग्नि को याद करा था हमने अग्नि से अग्नि से और अग्नि में जल जाओगे अग्नि में जल जाओगे अगर या अग्नि में हाथ डाल दोगे तो क्या होगा तो भी तो कष्ट ही होगा तो भी तो पीड़ा ही होगी राइट सो so, अग्नि भी एक और सिनोनिम तुम ले सकते हो और अग्नि का मीनिंग होता है कष्ट या फिर पीड़ा चलिए गुड आगे मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड देखो भाई मडल अब मडल का मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा डिसऑर्डर की सिचुएशन होना मतलब इतना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगदड़ मची हुई है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट है उसे हम बोलते हैं मडल ठीक है अव्यवस्था ले लो अगर हिंदी में बोले तो बहुत ईजी वे में अव्यवस्था की स्थिति होने को बोलते हैं मडल अब याद कैसे रखोगे इसको शायद मैंने पहले आप सभी को बताया है कि जब बारिश होती है तो बारिश में क्या हो जाता है बहुत ज्यादा मड ही मड या बहुत ज्यादा कीचड़ कह लो तो जब हम कीचड़ में ड्राइव करते हैं तो हम कैसे ड्राइव करते हैं बताओ हम ड्राइव करते हुए बहुत धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि नहीं पता होता आगे कहां पे खड्डा है तो मड में ड्राइव करने से क्या होती है हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होती है कि कहां पे गाड़ी चलाऊ कहीं आगे कोई खड्डा तो नहीं कहीं मेरी गाड़ी उसमें तो नहीं गिर जाएगी सो so, मड में मड में मतलब कीचड़ में कीचड़ में ड्राइव करने के लिए या कीचड़ में चलने में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है यू नहीं पैर रखा और नीचे गए सीधा ठीक है नादिर तक नादिर का मतलब क्या होता है ये भी बता दो नीचे गिरोगे कैसे याद रखा था हमने नादिर को फटाफट से बताओ जल्दी बताओ जल्दी यस yes, सुमंत वेरी नाइस पजल बिल्कुल सही कॉम्प्लेक्स वेरी नाइस क्योटिक चलो अभी मुझे फटाफट से बताना नादिर का मीनिंग जल्दी से बताओ आज ये बोर्ड uh, में कुछ भूतिया आ गया है समथिंग दैट इज हाँ कुछ कुछ आत्मा-आत्मा घुस गई है इसमें किसी की तो क्या प्रेस हो जा रहा है क्या बता चलिए फटाफट से बताइए डिसर बिल्कुल सही ओके okay, चलो नादिर को किससे याद करा था नागिर से और जब गिरेंगे तो किधर गिरेंगे नीचे ही तो गिरेंगे है ना ऊपर तो जाते नहीं सो नागिर लोएस्ट पॉइंट नादिर का मतलब क्या होता है लोएस्ट पॉइंट पिट फॉल कह सकते हो पिट मतलब खड्डा खड्डे में गिरना और right? और इसी का एंटोनिम जैसे यहां पे नयन ने बताया वेरी गुड चेतन वेरी गुड चलो नयन ने बताया इसी का एंटोनिम क्या बताया भैया जेनेत तो जेनेत को कैसे याद रखा था जेनेत को याद रख एंटोनिम है इसका मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट अब हम यहां तक कैसे पहुंचे ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं ठीक है वर्ड हम पढ़ रहे थे मडल कहीं से भी कुछ भी रिलेट हो जाता है चलो अच्छा मड में गिर ना जाए ऑल राइट

बड़ा चढ़ा के उस बात को खींचते ही रहना है ना कंफ्यूजन क्रिएट करना है बात को ज्यादा खींचेगा तो वो बात और जटिल होती रहेगी है ना ऐसे कहते हैं ना कुछ मुद्दों को खत्म कर देना चाहिए ज्यादा अपन खींचते हैं किसी बात को तो परिस्थितियां और ज्यादा जटिल हो जाती है कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं सो so, अब मत फर्स्ट क्रिएट कर ठीक है तो ऑफ़स्केशन नेक्स्ट बैफलमेंट बैफलमेंट को कैसे याद रखोगे बैफलमेंट को याद करोगे तुम लोग बफेलो से हां में और सभी बोल रहे हैं वेरी गुड सर माउंट पीक बहुत बढ़िया ठीक है यह अभी अपन डिस्कस कर लेंगे ठीक है हाँ एक्मे और सब हम डिस्कस कर लेंगे नाइस तुम सभी को याद है ये तो बहुत बढ़िया बात है ऑल right, अभी देखो बैफलमेंट को कैसे याद रखोगे बफेलो से याद कर लो हाँ ना अभी बफेलो पहले भी मैंने बताया था जब बहुत सारी बफेलोज एक साथ देखते हो तो इजीली नहीं बता पाते कि कौन सी बफेलो किसकी है ऑल राइट सो बफेलो को जब देखेंगे बहुत सारी एक साथ तो क्या होगी बैफलमेंट होगी कंफ्यूजन होगी ठीक है हम लोग नहीं बता सकते कौन सी बफेलो किसकी है नेक्स्ट जंबल तो इंग्लिश में जब साथ पढ़ते हो तो कंफ्यूजन नहीं होती क्या बिल्कुल होती है है हाँ ना कॉम्प्लेक्स so, सिचुएशन होना कंफ्यूजन से भरी सिचुएशन होना बहुत ही right? तो चाहिए अब नहीं भूलने चाहिए क्योंकि अब ये एग्जाम में आया तो तुम्हारे ही है ये मार्क्स राइट right? और ये वर्ड अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट भी है इसको याद करो टॉपिक किसका प्लाज्मा एक्सचेंज का प्लाज्मा एक्सचेंज का जो टॉपिक है कैसा है बेटा क्या पता क्या ही है पता नहीं वी डोंट नो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है नाम से ही लग रहा है ठीक है सो प्लेक्स से याद करो प्लाज्मा एक्सचेंज और प्लाज्मा एक्सचेंज कैसा टॉपिक है कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है नेक्स्ट पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम हां नयन होती है चलो अभी नेक्स्ट देखो पेंडेमोनियम को कैसे याद करोगे पेंडेमोनियम को याद करो बेटा हारमोनियम से हारमोनियम से अभी हारमोनियम से मैंने तुम्हें दो वर्ड सिखाए थे है ना पहला मैंने तुम्हें दिखाया था पहले अपन ने सीखा था हारमनी ठीक है हारमनी हारमनी का मतलब क्या होता है बेटा हारमोनियम से आता है हारमोनियम से अब हारमोनियम जब बचता है कैसी साउंड आती है स्वीट साउंड आती है मतलब मधुर आवाज मधुर आवाज तो हारमोनियम का मतलब या हारमनी का मतलब एक तो होता है स्वीट साउंड ठीक है या फिर आप कह सकते हो रिलेट करके हम लोग वर्ड्स पढ़ेंगे पहला हारमोनियम से हमने ये ये रिलेट करा है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा मधुर आवाज कह लो या फिर अच्छे मधुर रिलेशन फ्रेंडली रिलेशन होना लड़ाई झगड़ा ना होना इज द मीनिंग ऑफ हारमनी अगर आप सभी भूल गए हो, तो amiable and affable, याद हो तो वरना रिविजन करने की जरूरत है बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ईजी वर्ड्स है और दूसरा क्या? जिसको बजाना आता है और वो बजाएगा तब तो बहुत ही मधुर आवाज आएगी पर क्या हमें बजाना आता है हारमोनियम नहीं ठीक है हमें नहीं पता जस्ट जस्ट गिव गिव मी मी अभी देखो हमें नहीं पता कि हारमोनियम कैसे बजाते हैं और उसमें बहुत सारी तार वो बहुत सारे वो होते हैं कीज अगर तुम लोगों ने देखा होगा और पता नहीं कैसे ही बजता है तो अगर तुम्हें दे दिया हारमोनियम बजाने के लिए कि लो भाई बजाओ तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कौन से बटन को पहले दबाऊं कैसे बजाऊं तो हारमोनियम जिसको नहीं बजाना आता उसको दे दिया तो उसे कंफ्यूजन भी होगी ठीक है तो हारमोनियम से याद करो बेटा पेंडेमोनियम पेंडेमोनियम ठीक है और पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है कंफ्यूजन होना ठीक है अभी आगे मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पेंडेमोनियम तक समझ आया लास्ट वर्ड देखो डिसकॉम्ब्युब्युलेटेड अगर तुम्हें दिख रहा हो ये वर्ड स्क्रीन पे एफ मतलब मिलनसार बिल्कुल जम्बल टम्बल वेरी गुड हम्म, हम्मिसम्ब्यूबुलेटेड अभी अगर इस वर्ड के बारे में बात करें तो ये कैसा शब्द है देखो डिसकॉम्ब्यूबुलेटेड में क्या होगा तुम लोगों ने कॉम का मतलब क्या होता है दिस कॉम मान लो कोई कंगी तुम्हें नहीं पसंद हो सब क्या करते हैं घर में जब हमारे कंगियाँ होती है ना तो तुम सभी को पता होगा हर एक की एक स्पेसिफिक कंगी होती है जैसे जो मेरी कोम्ब है वो कोई और यूज नहीं करता मैं हमेशा वही कोम्ब यूज करती हूँ मेरी मम्मी की जो कोम्ब है वो हमेशा वही यूज करती है ऐसे ही स्पेसिफिकली हर किसी की पसंद की एक कंगी होती है ऐसा क्यों क्योंकि उनको ईजी लगता होगा उससे काम करना तो अभी मान लो कि कुछ कंगियाँ ऐसी भी होती है जिसमें बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो इफ आई से आई डोंट लाइक दिस कोम्ब क्यों नहीं क्यों नहीं पसंद होगी ये वाली कोम क्योंकि उसमें बाल क्या होते हैं बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं बहुत ज्यादा फस जाते हैं और जब उलझन होती है और फस जाती है कोई चीज तो वो सिचुएशन कैसी बन जाती है बहुत ज्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स बन जाती है राइट सो कोम से अगर गलत कोम हो गलत कोम हो या नहीं लेनी है तुम्हें कोई कोम डिस नेगेटिव वर्ड है ना और जब कोई कोम गलत चली जाए या गलत यूज हो जाए तो बाल क्या हो जाएंगे उलझ जाएंगे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अब कैसे सुलझाऊं है ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी समझ में आया वर्ड दिख रहा है आप सभी को चलो इतने वर्ड समझ में आए तो फटाफट से थम्स अप करके बताओ जल्दी से थम्सअप करके बताना ठीक है चलिए अब अगर एंटोनिम के बारे में बात करें तो देखो एक तो कंफ्यूजन की स्टेट और एक एकदम ही क्लैरिटी की स्टेट सब कुछ क्लियर हो क्लैरिटी किससे बना है क्लियर से ही तो बना है तो जब सब कुछ क्लियर हो वो स्टेट कैसी क्या कोई कंफ्यूजन रहेगा कोई रहे कंफ्यूजन नहीं रहेगा ऑर्डर में हो सब सब एकदम ऑर्डर से काम हो रहा हो अरेंजमेंट बहुत अच्छी हो बोलते हैं ना भैया शानदार अरेंजमेंट करी मतलब क्या कोई भी दिक्कत नहीं हुई कोई कंफ्यूजन नहीं हुई सब कुछ सही तरीके से हुआ सिंप्लिसिटी सिंपल वे में होना सिस्टम होना बहुत बढ़िया सिस्टम होना है ना और काम सिचुएशन मतलब कूल cool, शांत ठीक है कोई भी किसी भी तरीके की भगदड़ नहीं मची किसी भी तरीके की अव्यवस्था नहीं हुई तो वो सिचुएशन कैसी होगी काम होगी है ना तो हमने एंटोनिम्स तो बहुत इजी है देखो सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे और समझने बहुत ज्यादा जरूरी थे ठीक है अभी आगे मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला शब्द आज का ओके okay, कॉम्प्लेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे स्टेट में कॉम पे भी सॉन्ग आ जाता है क्या हो गया लोकेश लोकेश सी वॉट यू नीड टू डू अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर देखो प्ले लिस्ट में जाना और एक बार स्टार्टिंग से एक दो क्लासेस देखना तुम्हें पहले पैटर्न समझ में आएगा एक क्योंकि अब तो हम काफी टफ वर्ड्स पे पहुंच चुके हैं हम लोगों ने बेसिक वर्ड से स्टार्ट किया था और एग्जाम में जो आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमने चुने भी हैं है ना तो आप स्टार्टिंग से देखो तभी आपको पैटर्न पूरा समझ में आएगा और एक बार समझ में आएगा तो दिमाग से कभी नहीं जाएगा राइट चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अभी देखो कॉम्प्लेसेंट अगर कॉम्प्लेसेंट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना अब इसको दो तरीके से याद कर सकते हो आत्मसंतुष्ट होना मतलब क्या सैटिस्फाइड होना अब याद इसको दो तरीके से कर सकते हो दोनों ट्रिक बता देती हूँ कॉम्प्लेसेंट को ब्रेक करो और क्या बन रहा है कॉम से बना कम और प्लेसेंट से बना प्लेस तो so, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि कोई बात नहीं हम तो कम प्लेस में भी क्या है बहुत ज्यादा ही संतुष्ट है हमारा तो काम चल जाएगा तो जो लोग कम प्लेस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम प्लेस में भी क्या रहते हैं संतुष्ट रहते हैं खुश रहते हैं सो so, कम प्लेस में खुश रहने वाले लोग या सैटिस्फाइड रहने वाले लोग बन जाते हैं कॉम्प्लेसेंट या तो इस तरीके से याद कर लो सब जब तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है या पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है तो जब प्लेसमेंट हो जाता है जब नौकरी लग जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं ना प्लेसमेंट होने के बाद हर कोई संतुष्ट हो जाएगा तो या तो कॉम्प्लेसेंट को याद कर लो कम प्लेस में संतुष्ट रहने वाले या फिर प्लेसमेंट होते ही नौकरी मिलते ही हम कैसे हो जाते हैं आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं ठीक है सेटिस्फैक्शन गुड मॉर्निंग अनिश चलिए बफरिंग हो रही है प्लीज थोड़ा सा मैनेज करो मुझे लगता है मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही होगी सबके सबके पास ओके नेक्स्ट देखिए इसी का सिनोनिम है सैटिस्फाइड संतुष्ट होना ये तो बहुत ही साधारण सा वर्ड है स्मग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मग इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आता भी है स्मग को कैसे याद रखोगे याद जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं तो हमें एक मग पानी पीते ही या कोई स्मॉल छोटा सा मग ऐसे या तो याद कर लो स्मॉल मग है ना या फिर कैसे याद करोगे एक मग मग का मतलब क्या होता है ग्लास जैसा ही होता है मग जिसमें चाय पीते हैं बड़ा वाला आ, कप उसे मग बोलते हैं तो एक मग पानी पीते ही क्या हो जाते हैं हम संतुष्ट हो जाते हैं प्यास बुझ जाती है राइट So, एक मग से याद कर लेना स्मग और एक मग पानी पीते ही क्या हो जाएंगे आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे सैटिस्फाइड हो जाएंगे ठीक है पीडीएफ मिलेगी बेटा पीडीएफ पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे नेक्स्ट देखिए ग्लोटिंग अब ग्लोटिंग कैसे याद रखोगे ध्यान से सुनना सभी ग्लोटिंग जी से बनाओ गर, से बनाओ बनाओ भैया घर घर और लूटिंग ठीक है है तो कौन लूटता है? चोर ही रॉबर्स ही लूटते हैं तो चोर या जो डाकू होते हैं घर लूट के कैसा फील करते हैं क्या वो दुखी होते हैं क्या बहुत ज्यादा हाँ क्या वो डिप्रेस दुखी तो जिनके घर में बेचारों के चोरी होती है वो होते हैं पर डाकू गब्बर क्या करता था गब्बर सिंह हाँ जोर जोर से हंसता था ना राइट सो so, ग्लोट घर लूट कर ग्लोट से बनाओ घर लूट राइट घर लूट कर जो चोर होते हैं कैसा फील करते हैं संतुष्ट फील करते हैं कि आज तो बहुत ही बढ़िया बकरा मिला है ना आज तो खूब ही अमीर व्यक्ति के घर में हम लोग लूट मचा के आए बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ है राइट सो so, यहां पर ध्यान रखेंगे घर लूट कर रॉबर्ट फील करते हैं संतुष्ट खुश हैप्पी ओके okay. बेटा बीच की क्लासेस आपको मैंने पहले भी बताया था सभी को और जिसे नहीं मिली है बीच की क्लासेस ध्यान रखेंगे वो सभी क्लासेस आपको मैराथन क्लास में मिलेगी क्योंकि 19 से हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी स्पेशली फॉर आर्मी क्लब जिसका पेपर ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट को था बट फिर वो कैंसल हो गया बट नाइनटीन से ट्वेंटी तक की क्लासेस आपको मैराथन क्लास के बीच में टेन पे मिल जाएगी ओके चलिए नेक्स्ट देखिए Careless, केयरलेस पर्सन ठीक है जो पर्सन केयर ही ना करे और जब तुम केयर नहीं कर रहे हो तो तुम क्या हो संतुष्टि तो हो अब मान लो एक ऐसा पर्सन जिसकी रिटायरमेंट हो गई आराम से खूब कमा लिया अब वो क्या किसी चीज की टेंशन करेगा क्या नहीं अब उसे कोई टेंशन नहीं है जब तक नौकरी में था जब तक कमा रहा था तब उसे केयर करनी पड़ती थी किसकी घर की बच्चों की पर अब एक पर्सन जो रिटायर हो गया है वो पर्सन कैसा हो जाएगा वो आत्मसंतुष्ट है बहुत अच्छी जिंदगी जी ली खूब काम कर लिया बच्चे सेटल हो गए सब हो गया तो वो पर्सन कैसा बन जाएगा केयरलेस क्या उसे अब केयर करनी पड़ेगी कि किसी चीज की नहीं ठीक है नेक्स्ट वर्ड देखिए लेजी तो लेजी तो वो हो ही जाएगा जब कोई टेंशन ही नहीं जब वो संतुष्ट है जब उसे आगे कुछ करना ही नहीं तो वो तो लेजी होगा फिर आराम ही फरवाएगा और नेक्स्ट देखो सरीन अब सैरीन कैसे याद करोगे सेरीन को याद करना है तुम्हें सी रेन से बहुत गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी है और जब हम बारिश देख लेते हैं एकदम से गर्मी में आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है तो हम कैसे हो जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं काम हो जाते हैं शांत हो जाते हैं तो शांत होना संतुष्ट होना काम होना इसे या सैटिस्फाइड होने को हम बोलेंगे सरीन और बाकी सारे वर्ड्स जो हमने पढ़े कॉम्प्लेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ठीक है जय हिंद सभी को जय हिंद चलो थम्सअप करो फटाफट से फटाफट से थम्सअप करो समझ में आया तो फटाफट थम्सअप कर दो और कुछ दिक्कत है तो फटाफट बता दो जय हिंद जय हिंद टू ऑल गुड मॉर्निंग चलो संके सोल्जर ने तो थम्स अप कर दिया बाकी भी बता दो फटाफट जितेंद्र ऑल राइट ग्रेट ऋतिक रोशन चलिए आगे मूव करते हैं आग, अब अब ठीक है मूव करेंगे देखो अब एक तो संतुष्टि की स्टेट होना काम शांति की स्टेट होना और दूसरी जगह तुम कह लो कि कोई इंसान बहुत ज्यादा ट्रबल में है बहुत ज्यादा परेशानी में है तो वो संतुष्ट नहीं होगा ठीक है इनसिक्योर है किसी चीज को लेके कोई चीज सिक्योर नहीं है डरा हुआ है राइट इनसिक्योर पर्सन जो कि संतुष्ट नहीं है डिससेटिस्फाइड सेटिस्फाइड नहीं होना और अनइजी देखो जो इंसान संतुष्ट होगा वो हर चीज को ईजीली लेगा है ना आराम से करेगा पर कोई पर्सन जो असंतुष्ट है अभी तक वो हर चीज में अनईजी फील करेगा क्योंकि वो और बेहतर करना चाहता है है ना तो अन होना अब आगे मूव करेंगे देखो अंटोनिम्स बहुत ईजी है सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है वो हमने कर लिए अगले शब्द पे मूव करते हैं हम इवेजिव इवेजिव कैसे याद रखोगे इवेजिव पहले तो इवेजिव का मतलब होता है भाग जाना या किसी भी चीज को छोड़ देना पीछे हट जाना किसी भी चीज को करने से अब इवेजिव बना है इवेड से इवेड इवेड शब्द से ही इवेजिव बना है राइट और इवेड को अगर तुम बोलोगे प्रनाउंस करोगे इवेड को तो इवेड साउंड होगा अवे जैसा अवे जैसा अवे मतलब क्या दूर होना दूर होना किसी भी काम को करने से पीछे हट जाना किसी भी काम को टाल देना किसी भी काम को गिवअप कर देना जन किसी भी काम से बच के चले जाना उसका मतलब होता है इवेजन या इवेट दोनों का मतलब एक ही है ऑल राइट ठीक है चलो बेटा जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है वो सभी एग्जाम्स के लिए दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल एग्जाम ऑल राइट चलिए अब अगर हम सिनोनिम्स पे मूव करें तो किसी काम को अवॉइड कर देना किसी काम से बचना एस्केप करना क्या होता है बचना ठीक है किसी भी काम को बचना इज एस्केपिंग एग्जैक्ट किसी भी काम को एग्जैक्टली exactly ना करना इन से वर्ड बन जाता है नेगेटिव तो किसी भी काम को एग्जैक्टली exactly, सही तरीके से ना करना और बच के भाग जाना इज इन एक्जैक्ट अब देखो जो इंसान बच के जाएगा है ना या भाग के जाएगा जो भी इंसान पीछे हटने वाला होगा तो उसका क्या भरोसा कि क्या वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा अगर कोई पर्सन की आदत है कि वो काम टाल दे तो तुम क्या कभी श्योर रहोगे उसको लेके नहीं कभी भी श्योर नहीं रहोगे वो कभी भी क्लियर नहीं होगा वो हमेशा अनक्लियर रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं कब वो अवॉइड कर दे काम को और कब वो बच के निकल ले कब वो एस्केप कर ले तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज्यादा पजलिंग इंसान भी होगा बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सन भी होगा और बहुत ही अनक्लियर सा व्यक्ति होगा ठीक है जिससे के लिए जिससे आप वर्ड रिलेट कर सकते हो एम्बिगुस एम्बिगुअस और कैसे याद रखा था एम्बिगुस फटाफट से बताओ. ओके श्रवण कुमार खुश रहो जय हिंद जय हिंद डी के फौजी चलो अभी मुझे बताओ एम्बिग्वस कैसे याद रखा था फटाफट से बता देना ओके जल्दी बताओ जल्दी हाय वीरेंद्र लेजी भी होगा बिल्कुल सही अंबी से वेरी गुड विशाल वेरी गुड तो मूवी देखी होगी अपरिचित नहीं देखी तो देख लेना बहुत अच्छी मूवी है उसमें जो हीरो है ना अंबी अंबी वो अंबी क्या है क्लियर नहीं होता कभी भी क्लियर कैसे नहीं होता कभी वो अंबी का रूप धारण कर लेता है और कभी वो रैम्बो का रूप धारण कर लेता है कभी वो कोई और प्राणी बन जाता है वो अलग अलग कैरेक्टर उसका मतलब ऐसे कुछ दिमाग में होता है और वो कभी कुछ कभी कुछ बनता रहता है है ना फिर लोगों के पीछे भागता रहता है सो दैट पर्सन अम्बी कैसा इंसान है बहुत ही पब बहुत ही पजलिंग सा इंसान है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा पर्सन है बहुत ही अनक्लियर सा इंसान है समझ में आया नमस्ते धीरज ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए इक्वी वोकल इक्वी वोकल का मतलब ही होता है कंफ्यूजन या फिर अनक्लियर स्टेट अब कैसे याद रखोगे इसको याद रखो बेटा इक्वल और वॉइस से ठीक है अभी तुम लोग खड़े हो एक कमरे में राइट और पास वाले रूम से तुम्हें मम्मी बुलाए दूसरे रूम से तुम्हें पापा बुलाए राइट तो क्या और इक्वल वॉइस पे बुलाए दोनों जने एक साथ एग्जैक्ट टाइम पे इक्वल वॉइस पे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना पहले मम्मी के पास जाओ या पापा के पास जाओ राइट सो so, जब कोई इक्वल वॉइस पे बोलता है तो वो इक्वी वोकल सिचुएशन हो जाती है मतलब बहुत ही कंफ्यूजन की सिचुएशन अगर तुम सब भी एक साथ इक्वल वॉइस पे बोलने लग जाओगे तो मैं कैसा फील करूंगी कैसा फील करूंगी इक्वी वोकल कंफ्यूज तभी तो टीचर्स बोलते हैं क्लास में कि एक एक करके बोलो सब एक साथ मत बोलो राइट सो इक्वी वोकल इनडेफिनेट इनडेफिनेट जो चीज डेफिनेट ना हो निश्चित ना हो इनडेफिनेट ऑलराइट राइट और कह लीजिए आप ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर भी क्या होता है बेटा समथिंग दैट इज नॉट सिक्योर ऑब्सक्योर को याद करो नॉट सिक्योर जो चीज सिक्योर नहीं है जो चीज सेफ नहीं है वो क्या हो सकती है वो हमारे लिए सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है तो क्लियर थोड़ी ना ऑब्सक्योर भी इसी का इसे नौने है बहुत बढ़िया अब वो तो तुम पे है यार प्लीज एवरी वन शेयर एंड लाइक द वीडियो समझ में आ गया तो चलो आगे मूव करेंगे मैं तो ध्यान नहीं देती वॉट एवर इट इज शेयर लाइक ये हमारा तो काम है मेरा काम क्या है पढ़ाना बाकी सब इज योर टास्क चलिए आगे मूव करते हैं अब देखते हैं हम लोग एंटोनिम्स के बारे में ठीक है तो एक तो मतलब होता है क्लियर होना या बात से पीछे हटना ठीक है और एंटोनिम क्या होंगे वही रहना रेडी होना किसी काम को करने के लिए क्लियर होना डेफिनेट होना ऑनेस्ट रहना या डायरेक्ट रहना या फिर तुम कह लो कि वही स्टे करना टू रिमेन मतलब वहां से भाग नहीं जाना और उसी सिचुएशन में रहना सो टालना नहीं है हमें रुकना है रहना है वहीं रेडी रहना है किसी काम को करने के लिए और रेडी कब होंगे जब हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर होगा कि हमें काम कैसे करना है तो क्लियर होना डेफिनेट निश्चित होना ऑनेस्ट सच जो सच बोलते हैं लोग वो बहुत ही क्लियर होते हैं वो किसी भी बात को घुमा कर नहीं बोलते कॉम्प्लिकेट करके नहीं बोलते तो सच्चाई हमेशा साफ सुथरी सीधी होती है और अगली चीज डायरेक्ट ठीक है तो एंटोनिम्स तो फिर भी बहुत ईजी है सिनोनिम्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे अब अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे आप परप्लेक्स भी जोड़ सकते हो परप्लेक्स पजल इनडायरेक्ट कुछ भी जोड़ लो डायरेक्ट का ऑपोजिट इनडायरेक्ट तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे हमने पढ़े अब आगे मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड देखेंगे हमारा अगला वर्ड बिल्कुल हो सकता है नयन चलिए आगे मुफ देखते हैं अब हम विग्रस का मीनिंग क्या होता है विग्रस का मीनिंग होता है फुर्तीला इंसान फुर्तीला कह लीजिए आप बहुत ऐसा पर्सन जो बहुत ही एक्टिव सा इंसान हो ऐसा पर्सन जो बहुत ही एनर्जी से भरा हो एनर्जेटिक इंसान ये पर्सन कैसे होंगे ये बहुत ही विग्रस लोग होंगे अब याद कैसे करोगे तुम तो इसको याद रखने का तरीका जब ये डायलॉग आ जाता है ना कि तू रहने दे मेरे में बहुत जिगरा है मैं ये काम कर लूंगा तो ये डायलॉग निकलते ही भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है कैसे बहुत ज्यादा एक्टिवनेस आ जाती है ठीक है माहौल गर्म हो जाता है एकदम कि अब तो भाई कुछ ना कुछ तूफानी होने वाला है आज कुछ तूफानी करते हैं ओके सो so, विग्रस से याद रखना विगर से याद रखना जिगर और जिसमें जिगर होता है वो पर्सन कैसा पर्सन बोलेगा जो खुद में ही बहुत ज्यादा स्ट्रोंग व्यक्ति हो ठीक है वही उस पर भी अच्छा उस पर अच्छा भी लगेगा राइट चलो जय हिंद जय हिंद बट देखो रोबस्ट इसी का सिनोनिम है और रोबर्ट कैसे याद रखोगे इसे याद रखो रोबोट जैसा तो रोबोट जैसा पर्सन कैसा होता है भैया रोबस्ट और रोबोट कैसा होता है रोबोट होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्मार्ट और एक्टिव थकता थोड़ी ना है रोबोट राइट सो एक्टिव पर्सन नेक्स्ट देखिए विवैशियस श्यस कैसे याद रखना है विग्रस तो मैंने बता दिया और विवाश्यस बहुत ही इजी याद रखना इसमें देखो तुम्हें एग्जाम हमारे स्कूल में जब हम प्रैक्टिकल्स बनाते थे बिल्कुल बिल्कुल एजाइल सही बोल सकते हो ठीक है अभी देखो वाइवा के टाइम तुम कैसे होते थे बताओ कुछ नहीं भी आता होगा ना तो दो बनाए हुए डायलॉग साथ में लगा के और बोल दोगे है ना तो वाइवा के टाइम हर कोई चाहता है या हर कोई कैसा रहता है हर कोई रहता है एक्टिव एंड एनर्जेटिक वरना तो उसको नंबर काट नहीं है एक्सटर्नल जो भी आएगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके अभी ध्यान से सुनना सभी वाइवा के टाइम हम कैसे रहते हैं हम रहते हैं एनर्जेटिक हम रहते हैं एक्टिव एंड स्ट्रांग तो विवाशियस वर्ड याद हुआ विगर से जिगर वाला वर्ड याद हुआ और ज्यादा स्ट्रांग ही तो दिखाते हैं नेक्स्ट एथलेटिक्स तो एथलीट्स जो हमारे होते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में अभी सब गए हैं तो एथलीट्स जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव लेजी थोड़ी ना होते हैं अगला वर्ड देखो इनडिफ्राचिगेबल कैसे याद रखोगे इसको अभी बट आपको रिविजन करना पड़ेगा है ना रिविजन करोगे अच्छे से तो याद होता रहेगा बफरिंग हो रही है बट मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही होगी क्लियरली आप सभी तक देखो वोकेबलरी में वर्ड्स बहुत सारे होते हैं अब मैं क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हें ट्रिक्स बता सकती हूँ कि वर्ड्स किस तरीके से ईजी बनाओ कैसे रिलेट करके याद रखो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उसके आसपास के सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं उन्हें तो अगर आप बैठ के अच्छे से रिविजन करोगे एक बार भी वापस पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा बफरिंग ज़्यादा हो रही है क्या यस नायन वेरी गुड फटाफट से बता दो सब ठीक है या फिर बहुत ज़्यादा बफर हो रहा है तुम्हें तो प्रॉब्लम हो रही है समझने में फटाफट बताओ चैट कॉलम में ओके okay, टेलीग्राम पे बेटा रोज पीडीएफ आता है अभी इधर ध्यान देते हैं अपन इन डिफैटिगेबल कैसे याद करोगे जिसको इन से बनता है वर्ड नेगेटिव और डिफैटिगेबल से बना लो डिफील जिसको हराया ना जा सके जिसको हराया ना जा सके वो पर्सन कैसा इनडिफेटिगेबल अब याद कैसे रखोगे जिसको हराया ना जा सके वो पर्सन कैसा होगा वो पर्सन ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा वो पर्सन एक्टिव वो पर्सन तो होगा तभी तो उसे हरा नहीं सकते है ना तो जिस पर्सन को हरा नहीं सकते वो पर्सन कैसा स्ट्रांग एंड एक्टिव तो ये वर्ड भी आप सभी याद रखेंगे पहला क्या हारमनी दूसरा पेंडेमोनियम है ना तो पेंडेमोनियम का मतलब क्या था कंफ्यूजन हारमोनियम जब हम बजाते हैं अगर नहीं आता तो कंफ्यूजन ही होगा और दूसरा वर्ड हारमनी का मतलब क्या था हारमोनी मतलब, हारमोनियम से सो मधुर रिलेशन या फिर पीस कह सकते हो ठीक है आंटी से अपन ने दो वर्ड पढ़े थे कौन से वर्ड पढ़े थे पहला तो पढ़ा था डॉन्टेड डॉन्टेड मतलब दी आंटी है ना आंटी और आंटी से पड़ोस वाली आंटी से क्या लगता है डर लगता है तो फियर टेरर ठीक है डरना डरनाइट right. और दूसरा वर्ड पढ़ो तुम लोग जॉन्टी यहां पे यह वर्ड दिया हुआ है जॉन्टी ठीक है अब मुझे बताओ कि जो प, जो आंटी होती है फटाफट से बताओ जो आंटी होती है उनसे इतना डर क्यों लगता है जो आंटी होती है उनसे डर लगता क्यों है आंटी से खबर है उनके पास सारी खबर होती है किसके घर में कहाँ पे क्या चल रहा है तुम कब घर से निकल रहे हो और तुम कब घर वापस आ रहे हो वो तुम्हारे घर वालों को पता ना पता हो पर पड़ोसी को तो बिल्कुल पता होगा ठीक है सो आंटी से जिनसे तुम इतना डरते हो वो उनको इतना सब क्यों पता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है ना तुम्हारे काम के लिए तो बहुत एक्टिव है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है तो आंटी कैसी एक तो एक्टिव एनर्जेटिक और खतरनाक डर भी लगे समझ में आया? दो वर्ड याद रखना बेटा एक तो डॉटेड और एक याद रखना जॉन्टी ठीक है सो जो आंटी कौन सी कैसी होती है आंटी एक्टिव और एनर्जेटिक राइट सो जॉन्टी भी याद रखेंगे हम और डॉटेड तो याद रखेंगे ही अभी सबको समझ में आया

तो स्ट्रॉ एक्टिव एंड एनर्जेटिक फुर्तीला होना इज द मीनिंग ऑफ विगरस, विगर जिगर से राइट और बाकी सारे वर्ड्स कैसे याद रखने हैं सबकी क्या ट्रिक्स है मैंने आपको बता दी ऑलरेडी uh, याद रखना अब तुम्हारा काम है ठीक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बेटा आपको डिस्क्रिप्ट टेलीग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहां पे जरूर चेक कर लेना चलो अब आगे मूव करते हैं और कुछ एंटोनिम्स पढ़ते हैं तो जब सिनोनिम्स का मतलब था शार्प फुर्तीला बहुत ज्यादा ही तुम कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग राइट तो अब एंटोनिम क्या होगा बहुत ज्यादा ढीला ढाला सा व्यक्ति बहुत ज्यादा लेजी सा इंसान आलसी सा इंसान है ना डोरमेंट पर्सन अगर तुम्हें याद हो कि हमने डोरमेंट पढ़ा था तो क्या मतलब था डोरमेंट का और कैसे पढ़ा था डोरमेंट वो भी बता दो एक हमने देखो आलस कब कब आता है ये हमने पढ़ लिया था ना? एक हमने तोड़पोर भी पढ़ा था वर्ड राइट नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं सो दैट यू ऑल रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था डॉरमेंट तोड़पोर ये पहले वर्ड्स हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या पीकर आलस आता है भैया Lassi, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अगर हम इसके के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो क्या ढीला ढाला सा परसन, सा परसन, सा ठीक है? मतलब होता है मामूली, अनहैप्पी इंसान जो चीज हैप्पी नहीं हो और अगर आप हैप्पी नहीं हो तो आप में कहां से एनर्जी आएगी काम करने की है ना अनहैप्पी पर्सन बहुत ही वीक ये वाला वीक नहीं ये तो होती है सप्ताह ये वाला वीक बहुत ही वीक इंसान राइट और वीक के ही अगर हम सिनोनिम बोले तो हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं फीबल हमने सिनोनिम फीबल का मतलब क्या होता है फ्री ऑफ बल जिसमें कोई बल ही ना हो जिसमें बल नहीं हो वो पर्सन होता है फीबल सबकी ट्रिक्स बता रही हूँ फीबल कैसे याद रखना है फ्री ऑफ बल से तो जिसमें बल नहीं वो इंसान कैसा फीबल और जिसमें बल नहीं वो वीक ही तो होता है ऑब्वियसली डल ही तो होता है लेजी सा होता है और भी बहुत सारे पढ़े थे हमने फीबल के synonyms, बता दो फटाफट चलो लेथार्जिक, लेथार्जिक भी पढ़ा है तो अभी मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे ही तुम सबको बता देती हूँ सो दैट क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी होगी मुझे भी अगर फीबल कोई भी बच्चे न्यू है तो वो ट्रिक बना ले फीबल को कैसे याद रखना है फी ऑफ बल से तो जिसमें बल नहीं होगा वो पर्सन कैसा होगा वीक इसी के एक दो सिनोनिम्स लिख लो एक सिनोनिम लिख लो बेटा फ्रेल ये दोनों सिनोनिम्स है फ्रेल कैसे याद रखोगे फ्रेल को याद रखो जब हो जाता है कोई भी फेल में करा चुकी हूं तो जरूर देखनी है प्ले से प्रीवियस क्लासेस अब देखो डोरमेंट कैसे याद रखोगे इसको याद रखो मैट से मैट कैसा होता है भैया बहुत ज्यादा लेजी होता है उसी जगह पड़ा रहता है पूरी लाइफ दरवाजे के आगे क्या उसकी जगह चेंज होती है क्या नहीं होती डोरमैट वहीं रहता है तो डोरमेंट को याद बहुत ज्यादा थक जाते हैं उनका काम क्या है सुबह उठेंगे जब तक स्कूल में नहीं जाते सुबह उठेंगे खिलौनों से खेलेंगे तबाही मचाएंगे पिलोज नीचे फेंकेंगे खिलौने कहीं और फेंकेंगे तो पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा कर फिर उसके बाद जाके सो जाएंगे है ना थक जाएंगे तो जाके सो जाएंगे तो तोड़ फोड़ मचा बच्चों में क्या आ जाती है बहुत ज्यादा सुस्ती फिर आलस आ जाता है उनको ठीक है नेक्स्ट वर्ड लैसेट्यूड लैसेट्यूड को याद करो भैया लस्सी पीकर एटीट्यूड कैसा हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है तो लस्सी पीकर एटीट्यूड कैसा होता है एटीट्यूड हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा सुस्त लेजी डॉर्मैट और लेथार्जिक को याद करो बेटा लेस एनर्जी है ना लेथार्जिक को याद करो लेस एनर्जी ऐसे ही इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड जैसे इनर्शिया हमने पहले ही पढ़ा इनर्ट गैसेस से ठीक है सो ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं कवर इनमें से बहुत सारे वर्ड्स ऑल right, इतना समझ आया तो थम्सअप करके बताओ फटाफट से लैसीट्यूड होगा बिल्कुल डल बोरिंग सा है ना ढीला ढाला फिल्म सी बिल्कुल नयन प्रताप वेरी नाइस फिल्म सी का मतलब कमजोर होता है जय हिंद आरबी बॉय मारुक्का जय हिंद चलो थम्स अप करके बताओ फटाफट से आज जितने भी वर्ड्स पढ़े क्या तुम सभी को समझ आए या नहीं आए अब कल संडे है तो संडे तुम्हारा होमवर्क डे अब क्या होमवर्क है सारे के सारे वर्ड्स का अच्छे से रिवीजन करना है और जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं जिनकी आज पहली क्लास है अच्छा थम्सअप करके बताओ जल्दी से ओके hmm. okay, मजा आया गुड वेरी गुड चलिए वेरी गुड अली हेमंत चिंटू एंड एवरीवन तो मज़ा आया समझ में आया बहुत बढ़िया बात है आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम लोग मंडे को कवर करेंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करेंगे तो कल संडे है अच्छे से रिवाइज कर लेना क्योंकि मंडे को मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ थैंक यू सो मच एवरी सी यू ऑल ऑन मंडे जय हिंद